सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ आपके सामने आई हूँ। जो आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और सभी का फेवरेट है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये मैगी है और इस मैगी को आज मैं डिफरेंट तरीके से चाइनीज़ मैगी की स्टाइल में बनाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहे और अंत तक देखें मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम मैगी बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल लेंगे। इसका कलर पिंकिश हो चुका है, तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे बीन्स। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो सिर्फ प्याज, हरी मिर्ची और पनीर डाल करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आपने सब्जियां डाली तो वो और भी हेल्दी और टेस्टी बनेगा, वो टोटली ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ पनीर डाल के डाल बना रहे हैं तो इस स्टेज के बाद आप सब्जी ना डालें कोई सी भी, इसमें पनीर डाल के इसे भून लें। तो हमने बीन्स भी इसमें भून लिए, इसके साथ ही हम डाल देंगे हमारी बची हुई सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर। इन सभी को हम एक से दो मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, यानी काली मिर्च। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बट मैं यहाँ पे अवॉइड कर रही हूँ। चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो इन सभी सामग्रियों के साथ हमारी मैगी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो इसके बाद हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। तो इन सभी को अच्छे से भून लेंगे, पनीर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक। जैसे ही हमारे पनीर का कलर चेंज होने लगे तो इस स्टेज पे हम एक मैगी मसाला डाल देंगे। अगर आप एक ही पैकेट बना रहे हैं तो हाफ टेस्ट मेकर डाल दें मैगी का। और ध्यान रहे हमें इसमें सॉल्ट या रेड चिली वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो ये देखिए, इस स्टेज पे मैं इसमें मैगी डालूंगी। और हम इसमें पानी डाल लेंगे। अब मैगी के पकने तक का हम वेट कर लेंगे। थोड़ा सा ये जब पक जाएगा तो उसी बीच में ही हम इसमें सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड करेंगे। जब मैगी में उबाल आने लगे तो हम बचा हुआ टेस्ट मेकर भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड, जब लगे कि हमारी मैगी बनने वाली है ऑलमोस्ट, तो हम इस स्टेज पे हाफ टेबल स्पून के समथिंग सोया सॉस डाल देंगे और साथ ही हम 1 टेबल स्पून केचप डाल देंगे। अगर आप इसमें ग्रीन सॉस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इस स्टेज पे डालें और ब्लैक पेपर भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रेवी वाली मैगी खानी है तो ये बन करके तैयार है, आप इस स्टेज पे इसे सर्व कर सकते हैं। बट मैं इसे ड्राई करके ही खाना पसंद करती हूँ, तो आप
जिस तरह चाहे अपने पसंद के अनुसार इसे बना लें। तो फ्रेंड मैगी बनकर के तैयार है, अब मैं इस स्टेज पे इसे सर्व कर लूँगी।